तो दोस्तों कल जो टीका लगा था आज पेन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो दर्द कर रहा, गोदी में रहना है बस, ये छोड़ ही नहीं रहा अपन को। गीत दीदी दीदी को कुछ नहीं हो रहा था, मीत दीदी को रचना लिया ही हमारे लिए खाना, हाँ यहाँ रखने को कह रहा हूँ, मैं फिर हटाऊंगा ना। तो दोस्तों ये है खाना, आज बनी है पालक और दाल की सब्जी, नमकीन और रोटी। ये कहाँ से तू गिर जाता उसके ऊपर, मीत के ऊपर गिर जाता बच्चे तू। मीत गोदी में अच्छा लग रहा है इसको, बस है ना, नीचे मत रखो। क्या ही बात, बात दूर हो, सर्दी हो रही है आपको, नहीं बच्चों को भी कर देगा। मीत दीदी, मीत क्या आपसे कह रहे हैं बेटा, खाना रखा है यार थोड़ा आराम से। तो आज हम घर पर ही हैं, आज ऑफिस नहीं गए क्योंकि मेरे को भी इन सर्दी हो रही है, सबको फैला रहे हैं। सर्दी नहीं बोलते उसे, बोलते हैं फ्लू, कुछ तो थोड़ा तमीज रखो यार। तो दोस्त रेडी हो गया था ऑफिस जाने के लिए, यही वाला जो मैंने 15 अगस्त पे पहना था वही सोचा वही पहन के आऊँगा, ये निकाल दूंगा, मगर हाँ तबीयत बहुत खराब हो रही है दोस्तों। और रचना के लिए आज यूट्यूब पे कमेंट आया था, अच्छा कमेंट है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड कि रचना पहले से स्ट्रांग होने लगी है और समझदार होने लगी है, दो बच्चों को पाल रही है और इमोशनल तो है ठीक है धीरे धीरे, मगर स्ट्रांग हो रही है रचना। देखा आप हो रहे तो लोग अप्रिसिएट करते हैं और आपसे भी सीख रहे हैं लोग कि कैसे घर को मैनेज कर रहे बिना किसी हेल्प के। तो हेल्प है तो इन लोगों की, इन लोग हाँ इन्हीं की हेल्प है, मतलब फिजिकली तो नहीं इमोशनली ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमको कमेंट कर देते हैं कोई भी चीज़ हो, जैसे गीत के दवाई के लिए उन्होंने कमेंट करके बता दिया और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और उन्होंने एक ब्लॉग भी बताया जिनका कमेंट आया था कि कोई ट्रिपलेट बेबी को भी संभालने वाला एक चैनल है। अच्छा ये लिंक मेरे पास भी आई थी। तो लोग वो ट्रिपलेट को संभाल रही अकेली, ऐसा कहना। मैंने भी उनके शॉर्ट्स देखे, देखो हम किसी भी माँ को किसी से कंपेयर तो नहीं कर सकते, हर माँ अपने बच्चों के लिए बहुत को करती है और ट्रिपलेट को मतलब बहुत मुश्किल है। मैंने भी उनके कई ब्लॉग देखे थे, पर ऐसा नहीं, हर माँ अपने बच्चों के लिए बहुत करती है और एज अ माँ हमें प्राउड ही होना चाहिए। मेरे को तो ये लगता है कभी गिल्ट नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, गिल्ट नहीं, मॉम गिल्ट होता है ना समटाइम। और मैं खुद, आपने ऐसा कहा ना तो मुझे बहुत सी चीज़ें रियलाइज हो कि हाँ मैं अपने आप पे इस चीज़ में तो प्राउड करती हूँ। फ्रेंड्स 2-3 इतने बच्चों को सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने किया है और मैं आगे तक कंटिन्यू करना चाहती हूँ वो है माँ का दूध। ब्रेस्ट मिल्क से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, मेरे बच्चों को मैंने फॉर्मूला मिल्क नहीं दिया क्योंकि 2-3 बच्चों को बिना बॉटल फीड किए रख ही नहीं सकते। ये मतलब बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ मैंने ही किया है और कई भी करते हो, लेकिन ये सबसे टफेस्ट चीज रही है और अभी भी है क्योंकि जब ये 2-2 घंटे में फीड कराना होता था तो हर 2 घंटे में मेरे को 1 घंटा लगता था दोनों को फीड कराने में। पूरे 24 घंटे में हर 2 घंटे फीड कराती थी 3.5 महीने तक, उसके बाद 3 से 4 होने लगा। तो मतलब कभी भी मेरे एज अ शुभ चिंतक बहुत से लोग कहते हैं कि आप बॉटल दे दो उनको, आपको थोड़ा आराम मिलेगा, आपको रिलैक्स होगा, लेकिन मुझे पता है कि माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है, कोई माने या ना माने। फॉर्मूला मिल्क के कंपेरिजन में माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। अगर मैं कर सकती हूँ घर के कामों के साथ, मेरे बच्चों की प्रायोरिटी मेरी पहली, इसलिए आपको अगर कोई भी, कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, कुछ भी जानना है कि कैसे मैंने इन बच्चों को माँ के दूध पे ही वजन बढ़ाया है, कैसे किया है, तो आप लोग पूछिए, मैं प्लीज हेल्प करने को तैयार हूँ। लेकिन कोशिश करिए माँ का दूध ही बच्चे को मिले, बहुत मुश्किल, सबसे मुश्किल काम इस जर्नी का वही है क्योंकि 1-1.5 घंटे सोचो आप बैठे रहते हो और फिर आप घर में झाड़ू पोछा बर्तन, उस टाइम बर्तन वाली भी नहीं मिल रही थी, तो अब हाँ अब मैं स्ट्रांग हो गई और मुझे कभी कभी खुद पे प्राउड फील होता है। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, और आदमी को अपने जो भी काम करता है उसमें प्राउड फील तो होना ही चाहिए और अपने आप से प्यार करना चाहिए, चाहे वो कैसा हो। ट्रिपलेट को संभाले, ट्विंस को संभाले, सिंगल बेबी को भी संभालना आसान किसी भी लेवल पे नहीं होता है। तो दोस्तों अभी घर पे रुके हैं और अभी दवाई खाई मैंने लिवोसिट्रिजिन, जिससे कि मुझे एलर्जी, जैसे मुझे पता, आपको पता मुझे भी है, गीत को भी है, वो इनहेरिटेड ही लगता है, मेरे बाप पिताजी को भी है। गोद में क्यों हो तुम, चालाकी से आ गए हो। अब मीत क्या सोच रही कि मम्मा ने मीत को ले लिया, बहुत देर हो गई बेटा, 1/2 घंटा हो गया आपको, पीना वीना कुछ है नहीं आपको, बातें करनी है बातें करवा लो बस पापा की तरह, इसकी टोपी उसके सर है ना, यही चल लिया है। चालाकी से आए हो आप क्या, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, क्या गिरा देगी, बचा लिया बचा लिया।
तो फ्रेंड्स मिली हमारी देवियों से, पैर में थोड़ी थोड़ी सी सूजन है, बर्फ लगाना पड़ेगा, पर इस मौसम में बिल्कुल मन नहीं बच्चों को बर्फ लगाने का। खेली खेली चल रहा है क्या? चिल्ला चोट चल रही है क्या? सुना आपने? बहुत बुरे ट्रैफिक के पास है, एक घंटे से ऊपर हो गया हमको। हम सोच रहे हैं ऑर्डर ही करते हैं, आ जाएगा खाना, सिर को पानी रहा। अंकल ने डाल दी, बस निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए निकल गए। इसके बाद अगला पड़ाव है हमारा राजबाड़ा चौरा, वहाँ भी ऐसे ट्रैफिक होगा। मालवीय जी गए बाहर, बोले तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, बाहर से मंगाए। मैंने कहा नो डार्लिंग, बाहर से नहीं मंगाना। तो भैया दाल रखी थी तो मैंने तो उसी कढ़ाई में मेरे लिए दलिया रख दिया है, और आलू उबाले हैं। मालवीय जी से ब्रेड मंगा ली है, आप लोगों के लिए सैंडविच बना दूंगी। बाहर से क्या लाना है यार, शाम को सुबह दाल रोटी अच्छे से खाई थी, बाहर से रोटी पसंद नहीं है मालवीय जी को। मैंने कहा सैंडविच, अच्छा वाला सैंडविच बनाऊंगी, बनाते हैं। अरे कुकर ने वो कर रखा है परेशान, दिखा चुके हैं दुकान पे, सही नहीं हो रहा, लगता है दोनों को बेच के नया खरीदना पड़ेगा। मालवीय जी आ गए। तो दोस्तों रचना बना रही है सैंडविच, ये क्या है रचना, सैंडविच दिखाऊं उनको दोस्तों, दो मिनट रुको। वाह यार रचना यार, पैसे बचा लिए तूने, वो खुद के लिए बेचारी ने बनाया दलिया और दाल है, और ये है हमारे लिए गीत और हमारे लिए। वाह यार रचना, ऐसी पत्नी, मतलब ऐसी रचना नहीं, ऐसी पत्नी मंगल सबको ने। मुझसे अच्छी पत्नी है लोगों के पास है, सही कह रही, ऐसी पत्नी मिलना चाहिए। मुझसे अच्छी है लोगों के पास, आपसे अच्छी। आप कम बोलो और आप ज्यादा समझ जाओ ना, वो है कम्युनिकेशन। चक्के बताओ, एक तो मैं आगे बनाऊ। तो दोस्तों मुझे ही चखना पड़ेगा फाइनली, अभी तक कोई नहीं, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे। हमेशा होता है। हाँ, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब फिर किसी और को चखना पड़ेगा। दोस्तों आज ऑफिस नहीं गए तो देख लो, हम बाहर चले गए तो घूमने, और देखा ट्रैफिक में फंसे थे, आपने देखा होगा। हाँ दोस्तों बहुत अच्छी बनी है ये देखो, इसमें मिंट की चटनी है, धनिया और मिंट जैसा टेस्ट आ रहा है, और आलू है, बढ़िया बेहतरीन। अरे चला ऐसा नहीं कि सब खाने बुरे बनाती, आप ही लोग ऐसा कहते हो, मैं तो कभी नहीं कहा। क्या अच्छा बनाया है, और आप भी ट्राई करें, और बाहर से मंगाते 150 रुपये की आती, और ये बहुत अच्छी बनी है। गीत आ जा, सैंडविच खाएंगे बेटा, और खेलो। अच्छा खेलो फिर आना। दोस्तों पता नहीं अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए आज छुट्टी ली तो थी मैंने, अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर अचानक से अभी तक सैंडविच खाई, आपने देखा बहुत अच्छी सैंडविच बनाई थी। और रचना मेरी तबीयत, रचना गीत और मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी लग रही है, तो अभी तो सोते हैं, देखते हैं, नहीं हो तो कल हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो बच्चों को पे रचना ऊपर एक्सल हो जाएगा बच्चों को देखने में, और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। लगभग अभी रो भी रही उम्मीद। तो दोस्तों मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखना, आज हो सकता है वीडियो उतना बना नहीं हो, ब्लॉग उतना बना नहीं हो, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। बाय, अपना ध्यान रखना, अगर चैनल सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बाय जय माता दी।